नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके की क्लास में, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें राजस्थान के सभी जो सीटी एग्जाम आपका आने वाला है उसके लिए एलडीसी एग्जाम, रीट एग्जाम या फिर आपका जो जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस सेशन को जितना हो सके शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे और भी देख सकें। और दोस्तों, आपको साथ साथ इन जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं उन क्वेश्चनों को आपको टेस्ट के रूप में भी आप जरूर लगाएं और अंत में कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। मैं आपके लिए इसमें 25 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में कराऊँगा, जो आपके सभी जो पिछले वर्षों से आपको जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाली है। तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यदि आपने हमारे इससे पहले हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज लगाई हैं उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के अंत में आपके लिए प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके दे दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न, ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। जो नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है ग्वालियर शिलालेख के अनुसार आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपको जो सही जवाब होगा नारायण, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका इसमें सही होगा नारायण। अगला क्वेश्चन है, मंडोर से प्राप्त 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर किस वंशज की कला को प्रदर्शित करता है। मंडोर से प्राप्त 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर, इसका सही जवाब होगा गुजर प्रतिहार, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किस वंशज के शासकों ने करवाया था। ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किस वंशज के शासकों ने करवाया था, कछुआ, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़ या चौहान। इसका सही जवाब होगा गुर्जर प्रतिहार, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ थी, तो यह आपकी मंडोर, आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो इसका भी आपका सही जवाब होगा नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसे किया गया था, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहारों में रोहिल्दधि के नाम से किसे जाना जाता है। महेंद्रपाल, यशपाल, हरिश्चंद्र या प्रभाकर। तो इसका सही जवाब होगा हरिश्चंद्र, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने आदिव्य राय की उपाधि धारण की थी। तो आदिव्य राय की जो उपाधि है वह महिर भोज के द्वारा धारण की गई थी, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान संस्कृति कवि राजशेखर किस शासक के दरबारी कवि थे। ये महेंद्रपाल प्रथम के थे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शासक प्रतिहार वंश का यशपाल, आपका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन, आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो टोंक राज्य की जो स्थापना है अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अमीर खां पिंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर के किस शासक को मुगल सम्राट अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। तो फरजंद की उपाधि है वह किसे दी थी, तो मान सिंह को यह उपाधि दी थी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जिसे हुनरी मदरसा की स्थापना की थी। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी, उस शासक का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा राम सिंह द्वित्य, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक पुरंदर की संधि कब हुई थी। शिवाजी के मध्य में ऐतिहासिक पुरंदर की संधि कब हुई थी,
यह संधि 11 जून 1665 ईस्वी में की गई थी, जो आपका सी ऑप्शन है वह आपका सही आपका हो जाएगा, 11 जून 1665 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है? किस शिलालेख में कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आमेर शिलालेख में। आमेर शिलालेख आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह प्रथम ने शिला देवी की मूर्ति को कछवा वंश की इष्ट देवी के रूप में कहाँ स्थापित किया था? राजा मानसिंह प्रथम ने शिला देवी की मूर्ति को कछवा वंश की इष्ट देवी के रूप में कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा आमेर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अनविंद्या मूर्ति कहा है? तो यह डॉक्टर ऊजा आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर ऊजा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध खेजड़ली आंदोलन चला था? किसके शासनकाल में प्रसिद्ध खेजड़ली जो आंदोलन है वह चला? विजय सिंह, अभय सिंह, डूंगर सिंह या तख्त सिंह? यह अभय सिंह के शासनकाल में चला था, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, अभय सिंह। अगला क्वेश्चन है, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? तो सही जवाब होगा कछवा, आपका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तुंगा की लड़ाई कब हुई थी? तुंगा की लड़ाई किस सन में हुई थी? यह 28 जुलाई 1787 इसमें सही होगा, 28 जुलाई 1787 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो सही जवाब होगा दुल्हा राय के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत अंतिम शासक कौन थे? जोधपुर रियासत के अंतिम शासक का नाम बताना है कौन था? तो सही जवाब होगा उम्मेद सिंह, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा? बीकानेर के किस शासक ने बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा? तो सही जवाब होगा सूरज सिंह, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना कहाँ की थी? गंगा सिंह ने जो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना कहाँ की थी? यह बीकानेर के अंतर्गत की गई थी, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने सिंचाई के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया था? गंग नहर का निर्माण या गंगा सिंह के ही द्वारा करवाया गया था, जो जिसका नाम गंग नहर का नाम गंगा सिंह के नाम से ही पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने लंदन में हुए तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था? जो गोलमेल सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लिया था, उस राजपूत शासक का आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा महाराजा गंगा सिंह के द्वारा तीनों जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें भाग लिया गया था, महाराजा गंगा सिंह, डी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए कंप्लीट आपके लिए करा दिए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपने अभी तक जो हमने वीडियो कराए हैं राजस्थान जीके की, यदि आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपके लिए मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन्हें देखना नहीं भूलें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।